TVS Radeon DT 110। दोस्तों इस साल 2022 में इस रेडियन में आपको एक बढ़िया अपडेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं क्रोम फिनिश मेटल रॉड हैंडल बार, साथ ही आगे यहाँ पर है की सेक्शन, स्टेयरिंग काम हैंडल लॉक यहाँ से ही होता है। और ये सेक्शन देखिए रिवर्स LCD क्लस्टर, जो बिल्कुल नया अपडेट है इसमें इस बार। और यहाँ पर है USB चार्जिंग पोर्ट। इस नई डिजिटल मीटर कंसोल में जो चीज़ें नहीं हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वॉइस असिस्ट और शो गियर नंबर, ये सब कुछ नहीं है। तो आखिर इसमें है क्या? इसमें है रियल टाइम माइलेज, क्लॉक, सर्विस इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, इको और पावर मोड, बैटरी, टाइम। और इसमें आपको मिलते हैं फुल्ली कलरफुल डिजिटल मीटर कंसोल और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ की इंडिकेटर। तो दोस्तों आइए अब हम इस बाइक की फीचर्स जानते हैं। इसमें है फ्रंट डिस्क ब्रेक, रोबस्ट हाई पैड डिज़ाइन, न्यू प्रीमियम सीट, क्रोम रियर व्यू मिरर, न्यू प्रीमियम ग्राफिक्स, URI डिज़ाइन, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरा लाइफ इंजिन, मेटल बिल्ड विथ क्रोम असिस्ट, क्रोम बेजल्स हेडलैम्प्स विथ DRL, परफेक्ट सीट हाइट, सॉलिड सस्पेंशन विथ क्रोम साउट्स, 18 इंच बिगर व्हील्स, हाइस्ट ग्राउंड क्लियरेंस एंड लॉन्गेस्ट व्हील बेस, पिलियन ग्रैबरेल विथ कैरियर, लेडी पिलियन हैंडल विथ हुक, USB चार्जिंग, ऑल गियर सेल्फ स्टार्ट, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, हाई परफॉर्मेंस ड्यूरा ग्रिप टायर्स, अनब्रेकेबल टर्न सिग्नल माउंटिंग, फुल क्रोम मेटल एग्जॉस्ट। इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस है 76,697 और डाउन पेमेंट 15,000 ओनली। बाइक की हेडलैम्प है 12 वोल्ट 35x35 वाट की मल्टी रिफ्लेक्टर और नीचे की ओर है LED DRL 5 वाट की। इसमें बैक लाइट है बल्ब और अनब्रेकेबल टर्न सिग्नल और इसमें बैटरी सेक्शन है 12 वोल्ट 4Ah मेंटेनेंस फ्री। इस मॉडल में है क्रोम रियर व्यू मिरर फॉर क्लासिक लुक और इसमें है सिल्वर क्लच लीवर, रबर ग्रिप, येलो कलर में है पास बाय स्विच, हाई बीम लो बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और नीचे है हॉर्न स्विच। स्विच क्वालिटी भी बढ़िया है। साथ ही इस साइड में थ्रॉटल ग्रिप में क्विक रेस्पॉन्स है, हैंड ओवरटेक ब्रेक भी सॉफ्ट है, लाइट ऑन ऑफ स्विच और नीचे है सेल्फ स्टार्ट स्विच। बाइक की फ्रंट सस्पेंशन में है टेलीस्कोपिक ऑयल डंप पेड शॉक एब्जॉर्बर, 240mm की डिस्क ब्रेक और इसमें है 5-spoke फुल्ली ब्लैक कलर अलॉय व्हील्स और इसमें जो टायर सेक्शन है 2.75x18 इंच की ट्यूबलेस टायर, वो भी हाई परफॉर्मेंस ड्यूरा ग्रिप टायर्स। बाइक की पीछे की ओर है 5-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और ये पार्ट फुल मेटल मेड है और इसमें थोड़ा सा कोम टच है। साथ ही रियर साइड में है 110mm की डाम ब्रेक विथ सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, 5-spoke ब्लैक कलर अलॉय व्हील्स और इसमें टायर सेक्शन है 3x18 इंच की ट्यूबलेस टायर। इस रेडियन की जो टैंक है फुल मेटल मेड और इसमें है डुअल टोन कलर रेड और ब्लैक, इसमें है 3D एम्ब्लेम TVS की। साथ ही इसमें दोनों ही तरफ आपको मिलते हैं रबर पैड अच्छी पकड़ के लिए। साथ ही इसमें है क्रोम फिनिश पेट्रोल लिट, 10 लीटर पेट्रोल कैपेसिटी है इसमें और आपको माइलेज मिल जाएगा 70+ किलोमीटर पर लीटर माइलेज। बाइक की इंजन सेक्शन में यहाँ पे आपको मिलते हैं एक सिंगल हॉर्न जो काफ़ी लाउड है और इसमें है क्रोम फिनिश क्रैश गार्ड। इस बाइक में सेल्फ के साथ आपको किक भी मिल रहा है और इसमें है फुल क्रोम मेटल एग्जॉस्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हो। साथ ही इसमें है लेडी पिलियन हैंडल विथ हुक और इंजन सेक्शन में इसमें है 4-stroke ETFI Duralife इंजन, डिस्प्लेसमेंट 109.7 cc, मैक्सिमम पावर 8.8 bhp, मैक्सिमम टॉर्क 8.7 Nm, 4-speed गियरबॉक्स है इसमें 1 down 3 up के साथ। इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm और 800 है इसकी सीट हाइट और इस बाइक की कार्ब वेट है 118 kg क्योंकि ये डिस वेरिएंट है। इस बाइक में आपको मिलते हैं लॉन्ग एंड सॉफ्ट न्यू प्रीमियम सीट और इसमें है परफेक्ट सीट हाइट क्योंकि जितने भी हाइट आपके कम हो 5'3" या फिर 5'5" आराम से आप इसमें बैठ पाओगे, आपको बस टैंक के करीब बैठना है। सीट बहुत ही सॉफ्ट है और आरामदायक और काफ़ी लंबा है, डेली राइड के लिए परफेक्ट है। साथ ही पीछे की ओर आपको यहाँ पर मिलते हैं पिलियन गैबरेल विथ कैरियर। इस बाइक में डुअल स्टैंड और सिंगल स्टैंड के साथ है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर्स, राइडर फुटेज में रबर और गियर शिफ्टर में है मेटल मेड। बाइक की उस तरफ अगर आप आते हो तो यहाँ पर देखिए राइडर फुटेज में सेम रबर है इसमें और ब्रेक लीवर मेटल मेड।
बाइक की पीछे की ओर यहाँ पर है मेटल मेड साड़ी गार्ड और इसके साथ ही है लेडीज फुट ड्रेस जो फुल मेटल मेड है और इसमें है फाइबर मेड चेन कवर पीछे से लेके आगे तक पूरा हिस्से में है। साथ ही यहाँ पर पिलोन फुट ड्रेस में रबर का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों आप क्यों जाओगे इस नई रेडियन के साथ, क्योंकि इसमें है न्यू रिवर्स LCD क्लस्टर, डिजिटल स्पीडोमीटर, रियल टाइम माइलेज, ETFI टेक्नोलॉजी जिससे आपको मिलते हैं 15% मोर माइलेज, इम्प्रूव स्टार्ट एबिलिटी एंड रिफाइनमेंट, स्मूथ राइड, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्यूबलेस टायर। तो क्या ये बिल्कुल नई हीरो पैशन XTEC 110 से टक्कर ले पाएगा, देखते हैं आगे। तो हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू।